दोस्तों नमस्कार। मैं योगेंद्र योगी अपने YouTube चैनल से पिनसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारे बेरोजगार बंधु को, बेरोजगार भाइयों को इंश्योरेंस में लाइसेंस लेने के लिए जो दुविधा बनी हुई है कि मैं कौन से लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करूं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में कि LIC में, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बोले तो IRDA आने के बाद यहाँ लगभग 24 लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट प्लेयर के रूप में कंपनियां आ चुकी है, तो वहां काम करो। कहाँ मेरे लिए सेफ रहेगा, कहाँ काम करना उचित रहेगा, कहाँ अच्छा रहेगा, ये बहुत बड़ी एक दुविधा बनी हुई है। तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है जिसको आप देख के लगता है कि इससे आपकी सारी दुविधा दूर हो सकती है। पूरा वीडियो सुनिएगा, देखिएगा जरूर, तो आपको शायद बहुत सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, समझ में जरूर आ जाएगा कि मुझे कहाँ लाइसेंस लेना चाहिए। सर्वप्रथम मैं पोस्ट ऑफिस की बात करता हूँ। तो भाई आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस हर गांव गांव तक पहुंचा हुआ है और इसके ब्रांच के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में इंश्योरेंस का लाइसेंस लेने के लिए आपको डिविजनल ऑफिस में संपर्क करना होता है। इसके नीचे ब्रांच ऑफिस लाइसेंस के संबंध में कुछ नहीं जानता है। इसका लाइसेंस लेने के लिए डिविजनल ऑफिस एक आपको लेटर लिखना होगा या उसका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, और जो डॉक्यूमेंटेशन होंगे कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, 18 साल होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और एक कोर्ट से एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कि मैं पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस में काम करना चाहता हूँ। इसके लिए एक एफिडेविट बना के लगा के डिविजनल ऑफिस ले जाके उसके संबंधित ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। उसके जमा करने के लगभग 1 से 1.5 माह बाद आपकी लाइसेंस की प्रति आ जाती है, जिसमें हर चीज लिखा रहता है, आपका एडवाइजर कोड रहता है और आपका एक आई कार्ड दे दिया जाता है जिससे पता चलता है कि आप पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट हैं। दूसरी चीज यहाँ बता दूं, इसके कमीशन जो है, कमीशन इसका 2% से लेके अप टू 20% तक होता है। जैसे मान लेते हैं अगर 5 साल का पॉलिसी लेता है तो 5 साल के लिए लाजमी है कि उसके लिए कमीशन कम होगा, चूंकि कमीशन हमेशा टर्म पर ही डिपेंड करता है कि कितना आपका PPT है, प्रीमियम पेइंग टर्म क्या है, तो इस आधार पे आपका कमीशन ये बनता है। सबसे बड़ी जो बात है, या फिर यूं कहूं कि सबसे कमी कहूं तो भी अतिशयोक्ति कोई नहीं होगी, चूंकि इसमें लिमिटेड पॉलिसी होते हैं, 2-3-4 पॉलिसी ही होते हैं जिसमें आप एक तरह से बंध जाते हैं या फिर नीड बेस्ड सेलिंग नहीं कर पाते हैं कस्टमर को। हम आपको पोस्ट ऑफिस की शिकायत नहीं कर रहे, लेकिन जेन्युइन बात बता रहे हैं। तो यहाँ उसी जो 2000 पॉलिसी, उसी के अंतर्गत आपको काम करना होगा। तो कमीशन जो 0 से लेके 15 वर्ष तक की पॉलिसी का होता है उसमें 4% होता है, और 15 से लेके 25 वर्ष तक के लिए पॉलिसी का होता है उसमें 10% कमीशन होता है, और 25 वर्ष से ज्यादा के जो पॉलिसी टर्म की पॉलिसी लेते हैं उसमें आपको 20% का कमीशन मिल जाता है। लेकिन एक और हम देखते हैं इसकी खास बात कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में हेड ऑफिस के द्वारा कमीशन बन के आपके अकाउंट में जाता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ कमीशन के लिए जाके रिक्वेस्ट करना पड़ता है उस ब्रांच ऑफिस में जहां से आप पॉलिसी करते हैं, जिस ब्रांच से आपका लाइसेंस का ऑथराइज है या अटैचमेंट है, तो आप रिक्वेस्ट करते हैं तो जाके एडवाइजर कमीशन के लिए, मतलब तिरौरी करना पड़ता है। ये 2-4 चीज हमको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए अगर आपको प्रोफेशनल एडवाइजर बनना है तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ पोस्ट ऑफिस को, PLI को। हाँ, पत्नी को आप RD FD करने के लिए एडवाइजर बना दीजिए, लेकिन इंश्योरेंस एक प्रोफेशनल जगह है। इंश्योरेंस एडवाइजर अगर अपने आप को अच्छा बना के रखते हैं, प्योर प्रोफेशनल एडवाइजर बन के रखते हैं, तो एक डॉक्टर से कम नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर प्योर इंश्योरेंस का काम करना है तो आप प्योर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करें। अब बात आती है कि मैं LIC में लाइसेंस लूं कि प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस में, जैसे SBI में लूं कि टाटा में लूं कि बिरला में लूं, ICICI, बहुत सारी कंपनी है, तो ये आप पे डिपेंड करता है मुझे कहाँ लेना है, LIC में ले या फिर अदर प्राइवेट प्लेयर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। दोनों में लाइसेंस लेने के प्रक्रिया है, दोनों के लिए आपको LIC में क्या होता है कि DO साहब फॉर्म भरेंगे आपको एडवाइजर बनाने के लिए, या आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, और प्राइवेट प्लेयर में उसका सेल्स मैनेजर होता है, वो एडवाइजर बनाने के लिए फॉर्म भरता है। LIC में एक आपको 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब 50 घंटे की ट्रेनिंग होती है, वो 50 घंटे का ट्रेनिंग जो IRDA के नॉर्म्स के अनुसार करना होता है वो जो ट्रेनिंग ले लेता है, उसके बाद से आपको 7 दिन 10 दिन का आपको समय मिलता है। उस समय के दौरान आपका एग्जाम होता है, 1 दिन का, 1 घंटे का मात्र एग्जाम होगा, वो एग्जाम जैसे ही आप पास कर जाते हैं उसके बाद से आपको
लाइसेंस मिल जाता है इंश्योरेंस में काम करने के लिए। ये दोनों के लिए है, एलआईसी हो या फिर प्राइवेट प्लेयर हो। एलआईसी में सबसे बड़ी बात कि आप बिल्कुल छोटी छोटी भी पॉलिसी कर सकते हैं आप, मतलब झुंगी झोपड़ी वाले या ठेला वाले से लेके बड़े लोगों तक का पॉलिसी कर सकते हैं एलआईसी में। एलआईसी में एक और बड़ी चीज होती है कि ये अगर कहा जाए कि प्योर सोशल वर्कर जो कहा जाए उस तरह का आप एलआईसी में काम कर सकते हैं, मतलब छोटी प्रीमियम 2,000-3,000 से लेकर 2,00,000-3,00,000-5,00,000 तक का आप पॉलिसी ले सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन वही प्राइवेट प्लेयर में जाएंगे तो हमको लगता है कि प्रत्येक प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का मिनिमम टिकट साइज जो होता है पॉलिसी का वो 15,000 से कम का नहीं होता है। आने के लिए तो वहां भी 3,000-5,000 की पॉलिसी होती है लेकिन वो करते नहीं है, ब्रांच के थ्रू कोई नहीं करता है। अगर प्राइवेट प्लेयर में आपको पॉलिसी करना होगा तो फिर ऑनलाइन ही करना होता है कम प्रीमियम का, अदरवाइज इसमें जो होगा बड़े प्रीमियम की ही पॉलिसी होती है। एलआईसी के एडवाइजर की कोई भाव नहीं होती है, साफ साफ तौर पे मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है जमीनी स्तर पे। और वही प्राइवेट प्लेयर जो भी है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वहां एडवाइजर एजेंट की भाव रहती है, वहां कहा जाए कि वो कंपनी के एकदम मेन दुल्हा बनकर रहते हैं उस तरह, और ये प्राइवेट प्लेयर इंश्योरेंस कंपनी में भाव रहता है। दूसरी बात लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी में बहुत जैसे छोटी छोटी पॉलिसी इसी तरह छोटे छोटे यहाँ आरएनआर भी मिलते हैं, मतलब रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन भी मिलते हैं। मतलब कि आप 20 पॉलिसी कर लीजिए तो आपको 10 को साबुन मिल जाएगा, 20 को साबुन मिल जाएगा। वही हमको लगता है कि प्राइवेट प्लेयर में जाएंगे 5 पॉलिसी करिए तो शायद 5,000 रुपया मिल जाता है। यहाँ कहता है एलआईसी में कि आप 10,00,000 का पॉलिसी करिए तो आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा, गिफ्ट में दे देगा, बर्तन सेट देगा, कुछ कुछ देगा। प्राइवेट प्लेयर में अगर 10,00,000 की पॉलिसी देंगे तो वो आपको बैंकॉक से लेके सऊदी तक घुमाएगा। मतलब दोनों में डिफरेंट होता है। डिफरेंट किस चीज में होता है? एजेंट की बेनिफिट में, एजेंट के भाव में, दोनों जगह में होना भी चाहिए। क्योंकि एलआईसी को तो लगता है कि मैं तो यहाँ 64 साल 65 साल पुराना कंपनी हूँ तो मेरे पास लोग चल के आएंगे, मेरा भाव बढ़ा हुआ है, बाजार बना हुआ है, तो मैं एजेंट की चिरौरी क्यों करूँ, एजेंट के पीछे क्यों जाऊँ। भले ही एजेंट जाके मार्केट में बेचारा बहुत सारा मेहनत करता, आप देखते होंगे, आप समझते होंगे, लेकिन वही प्राइवेट प्लेयर में कोई काम करना नहीं चाहता है। कोई जाता है तो बहुत पढ़ा लिखा हो और प्रोफेशनल हो, वो जाता है और बड़े बड़े लोगों की पॉलिसी करता है। वहां एजेंट का भी भाव बढ़ता है क्योंकि एजेंट भी अपना पढ़ा लिखा है, या नहीं भी पढ़ा लिखा है तो वहां कोई पॉलिसी करने जाता नहीं है। चूंकि नई कंपनी भी है और आज भी लोगों को एक हकीकत बता दूं तो आज भी लोग डरते रहते हैं कि पता नहीं ये कंपनी रहेगी कि नहीं, जबकि अब धीरे धीरे लोग ये समझदार हो गए हैं। नहीं तो अपने इंडिया की जनता बहुत एक तरह से हम कहेंगे कि शिक्षा स्तर इतना गिरा हुआ है कि लोग भयभीत रहते हैं कि प्राइवेट लाइफ है और ये सरकारी लाइफ है, जबकि दोनों का गार्जियन या अथॉरिटी एक ही है। आप ये बखूबी जानते हैं या फिर दोनों एडवाइजर आपको ये बात समझाते भी हैं, फिर भी कहीं कहीं देखिएगा एलआईसी एजेंट जाकर बोल देते हैं कि अरे वो प्राइवेट भाग जाएगा। तो ये बात आपका बना रहता है समाज में या फिर आदमी की मानसिकता बनी रहती है। तो हमारे कहने का मतलब जितना ग्रामीण स्तर पर आप पॉलिसी करने जाते हैं, बीमा करने जाते हैं, तो वहां कितनी जनता को आप समझा पाएंगे? फिर भी जो व्यक्ति यहाँ समझाने में सफल है, जो एडवाइजर, वो जाकर प्राइवेट में काम करेगा तो बहुत सारी उनको सुविधा मिलती है, बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, बहुत सारे वहां पैसा भी मिलता है। इंश्योरेंस में लाइसेंस मिलने का तरीका एक ही है। जहां तक रही कमीशन की बात, तो एलआईसी में भी कमीशन आप देखेंगे 2% से लेके 35% तक मिलता है। एलआईसी हो या फिर प्राइवेट प्लेयर, दोनों में लगभग आप काउंट करिएगा लगभग टर्म इनटू टू कमीशन होता है अप टू 35%। मतलब कि मान लेते हैं कि कोई अगर 20 साल की पॉलिसी ले लिया तो 20 × 40% नहीं होगा, ध्यान रखिएगा अप टू 35%, मैक्सिमम 35% तक कमीशन दिया जाएगा। और नहीं तो 10 साल के लिया तो 20%, 15 साल के लिया तो 30%, इस तरह इसका कमीशन का क्राइटेरिया होता है। 2% दोनों कंपनियों में सिंगल पॉलिसी में होती है, जो अगर सिंगल पॉलिसी लेता है मतलब फिक्स टाइप का एफडी टाइप का तो उसमें 2% ही कमीशन मिलता है, उसके बाद टीडीएस भी कटता है और जीएसटी भी कटता है। तो यहाँ एक चीज कहेंगे कि अगर आपको इंश्योरेंस में प्योर एडवाइजर बन के काम करना है तो आप प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस में या एलआईसी में, दोनों में अगर कहीं काम करते हैं और आपको जॉब करने का भी इच्छा करता है, सेल्स मैनेजर के रूप में काम करने का इच्छा करता है, तो आपको कहीं भी जॉब रखा हुआ है मतलब लाइफ इंश्योरेंस में ही,
अगर मैनेजर की काबिलियत रखते हैं कि मैं ग्रेजुएट हूं, अच्छा मैं बोल सकता हूं, अच्छे तरह लोगों को मोटिवेट कर सकता हूं, अच्छे तरह लोगों को ट्रेंड कर सकता हूं, तो आप बहुत अच्छे एक मैनेजर बन सकते हैं किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। यहां देखेंगे कि अगर कोई आपके अड़ोस पड़ोस में अच्छा एडवाइजर होगा, उसकी मांग हमेशा बनी रहती है। सारे प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उसके टोह में रहते हैं, उसके ताक में रहते हैं कि वो कब हमारे यहाँ आता कि मैं उसे मैनेजर बना पाता, क्योंकि आजकल मैनेजर की भी बहुत कमी है। और मैनेजर आते कहाँ से? वही तो एडवाइजर, LIC एडवाइजर ही किसी भी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, या फिर प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो भी अच्छा एडवाइजर होता है उसको प्रमोट करके वहां बना दिया जाता है। ये ऑप्शन हमेशा मिलते रहते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे पोस्ट ऑफिस में काम करना चाहिए कि LIC में कि प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। सारी कंपनी अच्छी है, सारे जगह आपके पैसे सेफ हैं, और सारे जगह पोस्ट ऑफिस को छोड़ के LIC और प्राइवेट प्लेयर में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम के लिए कोई घबराने वाली बात नहीं, बहुत छोटा एग्जाम होता है, इजी होता है। आप नहीं पास करेंगे तो भाई आपको टेंशन नहीं लेना है, आपसे 4 गुना टेंशन आपके सेल्स मैनेजर को होता है LIC या फिर प्राइवेट प्लेयर में। LIC में कम भी होता है तो प्राइवेट प्लेयर में ज्यादा होता है टेंशन, क्योंकि LIC में DO साहब को लगता है तो अपने मेरे पास आएगा, जबकि प्राइवेट प्लेयर में आपके पास रिक्वेस्ट करते रहता है भाई एग्जाम देना दो, आप नहीं जाना चाहेंगे तो आपको उठा के लेके जाएगा एग्जाम दिलवाने के लिए। आपको सच्चाई बयां कर रहा हूँ, चाहे वो SBI कहो या फिर टाटा या ये कहो, बिरला, ICICI, जिसका भी जिस भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का हो, सब जगह वही हाल है। और सारे जगह लोग आपकी ताक में रहते हैं कि भाई साहब कब जाएंगे एग्जाम देने, आपके ट्रेनिंग के लिए आपको ले जाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, गिफ्ट भी देंगे, हर चीज देते रहते हैं प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। वही LIC में इस तरह का पूछ नहीं रहता है, जबकि दोनों में कोई अंतर नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें SBI से काम करें, टाटा बिरला में काम करें, या फिर LIC में काम करें, तो आपसे मैं यही बात बताऊंगा अंततोगत्वा कि जहां भी इच्छा करें वहां आप लाइसेंस लेके काम करें। विदाउट इन्वेस्टमेंट आप आराम से यहाँ जॉब करके 20,000, 25,000, 50,000 लाख रुपए कमा सकते हैं। ये सारा डिपेंड करता है आपके कॉन्टेक्ट पे, आपका कितना बड़ा कॉन्टेक्ट है, आपका कितना बड़ा सोशल वेट है, आप कितना रीचेबल है, मतलब कहाँ तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ऑल इंडिया के लोगों को जोड़ सकते हैं तो जोड़ लीजिए, पहुंच जाइए, आपके पास बीमा की पैसे की कभी कमी नहीं होगी। दूसरा आप देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, प्योर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में LIC हो गया या फिर ये प्राइवेट प्लेयर, मिनिमम 5 ईयर तक काम जरूर करना चाहिए एजेंट के रूप में, और 5 साल के बाद आप चाहे तो इंश्योरेंस की एजेंसी छोड़ सकते हैं। और एक सेक्शन होता है सेक्शन 44, आप लगा के लाइफ टाइम उसका कमीशन ले सकते हैं, कंपनी देने के लिए तैयार रहती है, इसके लिए कभी आनाकानी नहीं करती है, चाहे वो LIC हो या प्राइवेट प्लेयर हो। पॉलिसी जब तक चलती रहेगी तब तक कमीशन आती रहेगी, तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फार बेटर होता है पोस्ट ऑफिस का अपेक्षा। बाकी आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस अलग चीज है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस सबका एक ही है, सेफ है, सुरक्षित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मित्रों एक चीज जरूर कहेंगे चलते चलते कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन और को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो आपको एट ए टाइम मिलते रहेंगे। और आगे देखते रहिए, दिखाते रहिए लोगों को, शेयर करते रहिए, और जहां भी किसी तरह का कोई दिक्कत हो और कोई प्रश्न हो आपके मन में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर प्रश्न का जवाब ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मित्रों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।